जब भी पनिशमेंट दो, और मैं तो हमेशा इसी को, हमको किसी ने बताया था कि सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को नहीं देखता हूँ, उसकी फैमिली को देखता हूँ कि मेरी कलम जो है इस पे क्या नुकसान करने वाली है। सबसे कठिन निर्णय जब मैं फाइल में लेता हूँ वो है पनिशमेंट का। बहुत सोचता हूँ उसके बारे में, बहुत बार फाइल पेंडिंग छोड़ देता हूँ कि ये करें कि ना करें, क्योंकि वो तो जो गलती किया किया ही, उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो पनिशमेंट जो है देना आसान है लेकिन उसका प्रभाव बड़ा खराब है, और मुझे आके ऐसा लगता है कि शायद पनिशमेंट ज्यादा हो रही है। हो सकता है मेरा ओपिनियन सही ना हो, लेकिन मुझे लगता है पनिशमेंट ज्यादा काम हो रही है। ऐसी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी लीडरशिप ठीक है, आप इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, और पहली उसकी गलती पे उसको टोक दीजिए तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। खूब टोकिए, हर छोटी चीज पे टोकिए कि इसको ऐसे करो, उसमें कोई बात नहीं, उसका कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है। लेकिन सीधा सस्पेंड कर देना कुछ भी हुआ बिना उससे पूछे, शो कॉज, ये उचित नहीं है। सबसे सरल काम क्या है वरीय पदाधिकारी के लिए, कि नीचे वाले को सस्पेंड कर, इसको बंद करिए। इट इज अ साइन ऑफ पुअर लीडरशिप। अधीनस्थ को सस्पेंड करना, उस पर कार्रवाई करना, इसका मतलब आप में दम नहीं है, मत करिए, उससे उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। शो कॉज करिए, उसे पूछिए कौन सी आफत आ रही है। ठीक है, कोई कोई रेयर इंस्टांसेस होते हैं, कोई एक्सट्रीम बहुत बड़ी सेंसिटिव चीज हो गई, वो तो इक्का दुक्का केस है ना, वो नॉर्म तो नहीं हो सकते। यहां कुछ हुआ, चिट्ठी में भेज दिया, सर सस्पेंड कर दिया, इससे तो खराब निर्णय हो ही नहीं सकता। पहले सीनियर अफसर को यह पूछना चाहिए भी तुम क्या कर रहे थे, जो उसने गलती की, व्हाट वाज योर रोल, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू। उसने तो गलती की कि आप क्या कर रहे थे। तो पनिशमेंट नहीं, मैं आपसे भी पूछने वाला हूं कि आप क्या कर रहे थे। तो वरीय पदाधिकारी की भी जवाबदेही है कि वो अपनी डे टू डे सुपरविजन प्रॉपरली करे, और उस सुपरविजन में जो जो सुधार होने की जरूरत है, जो नॉर्म के हिसाब से, वो देखे जाएंगे। तो सस्पेंशन एंड पनिशमेंट फॉर एवरी माइनर थिंग, ये नहीं होना चाहिए।